आज जब इस कार्यक्रम के लिए भारत ने आगमन किया उत्तर प्रदेश की धरती उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के हिस्से देश का बेहद कांड जारी होने के बाद अब हम लोग नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग का एक कार्यक्रम हम लोगों ने 2020 में जब प्रधानमंत्री जी का कानपुर आगमन हुआ था नमामि गंगे परियोजना के कार्य की समीक्षा कर रहे थे। उस समय उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी कि हमको एक गंगा यात्रा का आयोजन गंगा हम सबको विरासत में मिली है। नमामि गंगे परियोजना के परिणाम स्वरूप कानपुर सीसा मऊ के पास 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा जी ने गिरता था। नमामि गंगे परियोजना के बाद आज वहां पर सीवर पॉइंट नहीं बल्कि सेल्फी पॉइंट बन चुका और कई भी जानवर को गंगोत्री से गंगा सागर तक 2000 किलोमीटर की यात्रा वीडियो भी हो रही था लेकिन 2000 किलोमीटर में सबसे क्रिटिकल पॉइंट रही था कानपुर। कानपुर में जांच बहुत में 14 करोड़ लीटर सीवर की बात और जांच बहुत में तो कोई चलिए छूट ही नहीं था गंगा। आज आप कानपुर में जाएंगे सीसा मऊ में सीवर का एक बूंद भी नहीं दिखेगा और जहां लोगों ने आपको जलीय जीव फिर से गंगा में दिखाई दे ये परिवर्तन वहां देखिए। वाराणसी में भी हम लोगों ने देखा और हम लोगों का सौभाग्य है कि 2019 में प्रयागराज को करने का प्रयागराज